प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर SWA न्यूज। बहराइच पुलिस विभाग में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला सिपाही का शव फंदे से लटकता मिला। महिला आरक्षी बहराइच के विशेश्वरगंज थाने में तैनात थी। मृतक का नाम निधि सिंह था, जो उन्नाव जिले की रहने वाली थी। पिछले 2 वर्ष से विशेश्वरगंज थाने में तैनात थी। महिला आरक्षी का शव उसके क्वार्टर्स में फांसी के फंदे से लटकता बरामद हुआ। घटना की सूचना पाकर आला अधिकारी व फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। बॉडी का पंचनामा भरकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया। कमरे की तलाशी में फिलहाल कोई सुसाइड लेटर नहीं मिला है। वहीं इस मामले पर परिजनों का कहना है, वो लड़की ऐसी थी नहीं कि वो आत्महत्या कर ले। इस वारदात से एक दिन पहले ही परिजनों की निधि से बात भी हुई, तब तक सब कुछ ठीक था। आज परिजनों को फोन पर सूचना प्राप्त हुई निधि की मौत हो गई, तो परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। बहराइच से SWA न्यूज के लिए शेबू अली की रिपोर्ट। किस वजह से उसने हत्या की, उसको छुट्टी नहीं मिल रही थी? अब पता नहीं सर, वो बता रहे थे 2 दिन से अप्लीकेशन दिया था, उसको छुट्टी नहीं मिली। 3 दिन उसकी इस साल की 3 छुट्टी मिली थी। बोल रही थी हमें छुट्टी दे दो, हमें बालाजी जाना है। अब क्या बात हुई, क्या हुआ सर, अब ये नहीं पता। या सुबह हमसे बात भी नहीं हुई, हम अगर सोचते कि उसको समझाते या कुछ हमसे बताती। बस ये पता चला है कि 2 दिन छुट्टी लगाए थे, अप्लीकेशन पड़ा है, लेकिन छुट्टी नहीं मिली। क्या इसके पहले भी और कोई उसने शिकायत किया था? बिटिया ने कोई और शिकायत किया था? आप लोग फोन में बात करके कोई शिकायत किया था? हमसे कोई शिकायत नहीं हुई। ये बता रही थी कि हम चाह रहे हैं यहाँ से बदली हो जाए, तो बदली नहीं करी जा रही हमारी ड्यूटी। यहाँ से बदली हो जाए और यहाँ बदली नहीं हो रही हमारी ड्यूटी। इधर उधर लगा देते, कभी 12 घंटे की, कभी 24 घंटे की। क्या लगता है कि मतलब उसको ऐसा लगता है कि आप लोग से बात नहीं करते, उसको प्रताड़ित किया जाता था? अब सर हमसे ज़्यादा बात नहीं होती थी कि प्रताड़ित किया जाता था कि हम ससुराल में थे। ये छोटी बहन है, इससे ज़्यादा बात होती थी। अस्पताल लिए जा, हमने कहा अस्पताल लिए जाने, अस्पताल ही में रखे हैं, लेकिन वो वहीं पे पड़ी थी। क्या लगता है कि उसकी हत्या की गई? अब सर क्या बता पाए, हत्या की गई कि अपने आप ने की, क्या अब समझ में नहीं आ रहा कि इतनी सुलझी लड़की अपने हाथ कैसे मर सकती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोगों को क्या लगता है, कुछ बताएंगे? क्या लगता है कि वो उसने फांसी लगाई है, या क्या लगता है आपको? अब सर क्या बताएं, नाम जाने का लगता है भैया, क्या बताएं, वहाँ पर हते नहीं। बस ये है, वो बता रही थी अभी तैयार होती, वर्दी सब पहने थी, वर्दी पहन के तैयार हो रही थी, तब बात हो रही थी कि हम ड्यूटी जा रहे हैं। 2 दिन से छुट्टी लगाए थी, छुट्टी नहीं दी उसको, छुट्टी मांग रही थी। हाँ, 2 दिन से एप्लीकेशन पड़ा है। हाँ, बस वो ये कहती थी हमको यहाँ से ट्रांसफर करवाना है, यहाँ हमारा बिल्कुल भी मन नहीं है। 2 बार SP साहब के यहाँ जो है पेश हुई जाके, वहाँ से ट्रांसफर नहीं हुआ। SP साहब का ट्रांसफर हो गया था, फिर नए SP साहब आए, हमने कहा वहाँ जो, कहने लगी अभी जो है इलेक्शन का चल रहा है, अभी टाइम नहीं है, अभी छुट्टी भी नहीं मिल रही है। तो कह रही थी एक दिन जो है कहेंगे जाने के लिए कि सर हम जा रहे हैं कपड़े खरीदने, तो शायद हमको छुट्टी मिल जाए वहाँ। क्यों ट्रांसफर चाहती थी? क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत प्रेशर था। किस चीज़ का प्रेशर था, क्या रखते? जैसे ऑफिस का काम उसको सिखाया गया पहले, ऑफिस में काम करने की वजह से वो जो उसका काम नहीं होता था, जैसे बड़े सर लोगों का काम है वो भी उससे साइन करवाया जाता था, तो वो डरती थी अगर कोई गलती हो गई तो मेरी नौकरी पे आएगा। तो कौन उसके ऊपर इतना प्रेशर डाला? अब सर वहाँ पे कौन बड़ा सर, हमें क्या मालूम, नाम से हम कुछ किसी को नहीं जानते, बस जो फोन पे वहाँ पे कभी गए नहीं। बड़े साहब के ऊपर आरोप लगा दिया? ये कहती थी जो हमसे बड़े हैं, जो हमारा काम भी नहीं है वो भी हमको करना पड़ता है। पता चलेंगे और जल्द ही पता चलेगा, उसको स्वाट टीम को दे दिया गया है, उसको विस्तृत जो है जांच की जा रही है। सर कोई सुसाइड नोट वगैरह? नहीं, कोई सुसाइड नोट नहीं प्राप्त हुआ है। तो सर क्या उसके परिवार वाले अभी आए हैं या नहीं? परिवार वाले आ रहे हैं, हम लोग संपर्क में हैं, रास्ते में हैं, और वो बरेली बाराबंकी सीमा हमें लगता है क्रॉस कर रहे होंगे, जल्दी आ जाएंगे। हम लोग उन्हीं का वेट कर रहे हैं, उनके आने के बाद ही हम लोग तो क्या डेड बॉडी PM के लिए जाएगी सर? हाँ, उनके आने के बाद बॉडी PM कराई जाएगी। किस तरह की घटना है? ऐसी घटनाएं कई हुई हैं, 7-8 घटनाएं जो ऐसी कोई घटना है हमारे यहाँ थाना क्षेत्र में, इसमें थाने के अंदर इस तरह की घटना नहीं, थाने के अंदर नहीं, थाने के बाहर थाना क्षेत्र के अंदर सुसाइड की कर लाइन जगह
नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं जो वर्कआउट ऑफ सोसाइटी की घटना है। इसमें एक दो सुसाइडल जो केसेस थे जी, उसमें उन्होंने नामजदगी की है और नामजदगी उसमें FIR दर्ज हुई है जी। और ऐसा कोई घटना नहीं है जिसमें कन वर्कआउट ना हो। तो मतलब इस घटना के पीछे क्या लग रहा है कि कोई क्या कहना है इस पर आपके? महिला आरक्षी नीति सिंह है जो कि 19 बैच की थी जी, उसने आज अपने कमरे में सुसाइड कर लिया है जी। उसके साथ एक लड़की और भी रहती थी, उन दोनों की जो है ड्यूटी लगी हुई थी बैंक में और बैंक में जाने के लिए तैयार हो रही थी और उसी दौरान टेलीफोन से बातचीत भी हो रही थी उसकी जी। और इस पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है, उसके मोबाइल नंबर की भी डिटेल और भी कुछ प्रपत्र जो है मंगाले जा रहे हैं, कोई सुसाइड नोट नहीं प्राप्त हुआ है और इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। अतिशीघ्र पता लगा लिया जाएगा इसके पीछे क्या कारण है। एक साइड हो जाए, निकालिए।